दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इजी खेती में स्वागत है। और पिछला जो वीडियो है किसान भाइयों, उसमें हमने देखा कि हमारे टमाटर की फसल को जब वो फ्लावरिंग स्टेज में थी और 5 mm का एवोपरेशन का डाटा था, तो 16,000 लीटर पानी प्रतिदिन उसको देने की जरूरत थी। अब मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपने खेत में मल्चिंग नहीं लगाई है, केवल ड्रिप लगा रखा है, मल्चिंग नहीं है, तो आपको 16,000 लीटर पानी देना है प्रतिदिन। लेकिन यदि आपने मल्चिंग लगाई हुई है, तो आप जानते हैं मल्चिंग के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें से एक फायदा मैं और आपको बताना चाहता हूँ। मल्चिंग अगर आपने लगाई है तो आपकी फसल की जितनी भी पानी की जरूरत है, जो ये कैलकुलेशन करके गणित करके आती है, उसमें आप 15% पानी कम कर सकते हैं। यानी पानी की जरूरत, पौधे को 15% पानी की जरूरत कम रहेगी, जितना भी हमारा कैलकुलेशन से आएगा उससे 15% आप कम कर सकते हैं। तो आप 16,500 लीटर जो पानी हमारा आया उसमें का 15% आप निकालते हैं तो 2400 लीटर पानी आता है। यानी आपको ड्रिप से 2400 लीटर पानी कम देना है। तो कुल मिलाकर पानी हमको कितना देना है, 16,000 लीटर में से आप 2400 लीटर पानी कम कर देंगे। तो आपका ये लगभग लगभग 13,600 लीटर पानी आता है। तो हमने ये देखा था पिछले वीडियो में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। तो हमारा ड्रिप जो हम चला रहे थे 5 फिट पे, ड्रिप लाइन थी हमारी 40 सेंटीमीटर पे, ड्रिपर था 1.25 फिट पे और 2 लीटर पानी गिराने वाला, तो उससे हमको 1 घंटे में 13,500 लीटर पानी मिल रहा था। तो अब हमको जरूरत लगभग उतना ही पानी की है, 13,600 लीटर पानी की। तो इसका मतलब ड्रिप अब आपको 1 घंटा 10 मिनट ना चला के आप मात्र 1 घंटा अगर चलाएंगे, और मल्चिंग आपने करी हुई होना चाहिए, शर्त ये है मल्चिंग आपने करी है, तो आप 1 घंटा ड्रिप चला के पानी की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्चिंग लगा के पानी की बचत भी करेंगे, और कितनी करेंगे, 15%। ये फॉर्मूला लगभग हर फसल के लिए लागू होगा, इसमें अगर आपने मल्चिंग लगाई है तो हर फसल के लिए आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे चैनल को आपके माध्यम से, बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, नए नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं और दूर दूर से जुड़ रहे हैं। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते रहिए और नए लोगों को भी प्रमोट करते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।